हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स। तो जैसा आप सबको पता है कि कल UPSSSC ने अपना जो एक मंथली कैलेंडर है जो फिर से रिन्यू हो जाएगा कुछ दिनों में, उसको जारी कर दिया है और उसमें इन्होंने जो कुछ अपने फर्दर कोर्स ऑफ एक्शंस है उसको बताया है। लेकिन हम इनकी रियलिटी जानते हैं कि ये ऑन द टाइम तो नहीं चलते हैं। आप चाहे वीडियो का DB देख लीजिए, अक्टूबर से उसको नवंबर कर दिया गया है। बाकी जो चीज़ें थी वो भी डिले होती ही गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। प्लस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना पसंद आए तो, ठीक है। अब देखिए, अगर इनके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इन्होंने जो प्रीलिम्स की डेट दी है रिजल्ट की, वो आपका दिया हुआ है दिसंबर में, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके ठीक से इनको ऑब्जर्व करोगे तो अभी ये क्या देंगे, रिवाइज्ड आंसर की देंगे, ठीक है। और 11 अक्टूबर तक रिप्रेजेंटेशन लेंगे, तो रिवाइज्ड आंसर की जो है वो खुद इनकी जाकर दिसंबर में ही आएगी। और दिसंबर में अगर ये रिवाइज्ड आंसर की देंगे तो उसके बाद कम से कम 1.5 महीना ये बिल्कुल लेने वाले हैं रिजल्ट देने में। तो रिजल्ट जो मेरे अकॉर्डिंग वो आपका जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट में आ सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आपका जो प्रीलिम्स है वो हो गया है सितंबर लास्ट में, ठीक है। रिवाइज्ड आंसर की आपको अर्ली दिसंबर में देखने को मिल सकती है, यही एक अनुमान रहने वाला है। फिर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या तो वो जनवरी लास्ट में आएगा या तो फरवरी के फर्स्ट में, यही मेरे हिसाब से आप देखिएगा रिजल्ट जो है जनवरी लास्ट के आसपास ही आएगा। या फिर थोड़ा बहुत अगर डिले होता है किसी भी कारण से, कोई केस होता है या फिर कोई और मैटर होता है, तो वो फरवरी फर्स्ट में भी जा सकता है। फिर उसके बाद कम से कम 1.5 महीने का गैप ये फर्दर लेने वाले हैं। और जो आपका मेन्स का एग्जामिनेशन होगा वो आपका अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है। और जो आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है वो आप देखोगे कि वो सितंबर 2020, दैट मीन्स अगले सितंबर तक ही आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अभी पूरा 1 साल लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे रहने वाली। लेकिन अभी जो अपडेट्स है वो कुछ ऐसी ही हैं, जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी ही है। तो मेरे हिसाब से कि अगर आपको कुछ लोगों ने पूछा था ये कि कब इसका मेंस हो सकता है, कब इसके फाइनल रिजल्ट आ सकता है प्री का, तो मैंने उस चीज़ को इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो फिर मैं, ये वीडियो छोटी ही रहने वाली थी, छोटी सी वीडियो में इसको ख़त्म करता हूँ। फिर टिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।